इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें जोनी और हैरी नाम के दो बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें ड्राइंग बनाना बहुत पसंद होता है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल को इन सारी चीजों से एलर्जी थी, इसलिए वो यहाँ आकर इनकी ड्राइंग बुक फाड़ देते हैं और फिर वो इन दोनों को अपनी क्लास रूम में भेज देते हैं। क्लास में पहुँचते ही इन्हें पता लगता है कि इन्हीं के क्लास के एक मेलविन नाम के लड़के ने इनकी चुगली की है, जो क्लास का सबसे पढ़ाकू लड़का होता है। तभी प्रिंसिपल वहां पर अनाउंस करता है कि संडे को सभी बच्चों की इन्वेंशन की क्लास रहेगी, जिसे सुनने के बाद मेलविन को छोड़कर बाकी सारे बच्चों का मूड ऑफ हो जाता है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जोनी और हैरी अपने ट्री हाउस में चले जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर रात होते ही वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज संडे होता है, इसलिए वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जोनी की माँ आकर उन्हें बताती है कि आज तुम्हारे स्कूल में इन्वेंशन की क्लास है, इसलिए फिर आज इन्हें भी स्कूल जाना पड़ता है। सभी बच्चे बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पड़ाव को मेलविन सभी को इन्वेंशन दिखाने लगता है, लेकिन किसी को भी उसके इन्वेंशन में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए सभी बोर हो रहे होते हैं। ये देखकर जोनी हैरी से कहता है कि हमें अपने दोस्तों को हंसाने के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारे सभी दोस्त परेशान हो रहे हैं। फिर जब मेलविन सभी को अपना टर्बो टॉयलेट दिखाने लगता है तभी जोनी और हैरी इसमें कुछ खराबी कर देते हैं, जिससे मेलविन की टर्बो मशीन सभी बच्चों पर टॉयलेट पेपर फेंकने लगती है और फिर सभी बच्चे मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन इन दोनों की सारी हरकतें एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसके बाद प्रिंसिपल जोनी और हैरी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। इतने में वहां मेलविन भी पहुंच जाता है। फिर वो उन दोनों को अपना कैमरा दिखाता है जिसमें उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड थी, जिसे सुनने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये दोनों उस कैमरे को चुरा लेंगे। अगले दिन ये दोनों जल्दी स्कूल पहुंचकर कैमरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहां प्रिंसिपल आ जाता है और वो इन दोनों को कैमरा दिखाता है, जिसके बाद जोनी अपनी टॉय रिंग से प्रिंसिपल को हिप्नोटाइज कर देता है। फिर वो इस कैमरे को अपने बैग में रख लेते हैं। अब वो चुटकी बजाकर प्रिंसिपल को जो भी करने को कहते हैं तो प्रिंसिपल वही काम करने लगता है, जिससे जोनी और हैरी बहुत खुश होते हैं। फिर ये दोनों प्रिंसिपल को सुपरमैन बना देते हैं, जिसके बाद जोनी और हैरी उसे अपने ट्री हाउस में ले आते हैं। यहाँ ये दोनों उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल नॉर्मल हो जाता है और वो इन दोनों पर चिल्लाने लगता है। फिर ये दोनों प्रिंसिपल को बेहोश करके उनके घर छोड़ देते हैं। अब अगले दिन ये दोनों मस्ती करते हुए स्कूल जाते हैं। आज स्कूल में एक नया टीचर आता है जिसके पास बहुत सारे गैजेट होते हैं, जिसे देखकर जोनी और हैरी डर जाते हैं। सभी बच्चे नए टीचर को देखकर हंसने लगते हैं। अब टीचर क्लास रूम में आता है और अपना नाम प्रोफेसर पी बताता है और बच्चों से कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस दुनिया से हंसी को ही मिटा दूंगा। मेलविन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर प्रोफेसर सभी बच्चों को बताता है कि हमारे ब्रेन में एक बैंगनी रंग का हिस्सा होता है जिसे ब्रेन ऑफ ह्यूमर कहते हैं, जिसकी वजह से ही बच्चों को इतनी हंसी आती है। अब अगले दिन प्रिंसिपल बच्चों के लिए स्कूल में मेला लगाता है। यहाँ सभी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर भी मेलविन का ब्रेन चेक करने लगते हैं तो पता लगता है कि उसके दिमाग में तो वो बैंगनी रंग वाला भाग यानी ब्रेन ऑफ ह्यूमर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ही मेलविन कभी हंसता नहीं था। अब ये दोनों दुनिया से हंसी को मिटाने का प्लान बनाते हैं। फिर प्रोफेसर अपनी मैजिकल गन की सहायता से मेलविन के टर्बो टॉयलेट को बहुत बड़ा कर देता है। ये देखकर सुपरमैन प्रोफेसर से वो गन छीन लेता है। फिर वह गलती से प्रोफेसर पर चल जाती है, जिससे प्रोफेसर बहुत बड़ा हो जाता है और सुपरमैन बहुत छोटा हो जाता है। फिर हैरी वो गन चलाता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। फिर जोनी गन से प्रोफेसर पर शूट करने लगता है, लेकिन प्रोफेसर सामने से हट जाता है और उसका स्कूल ही छोटा हो जाता है। फिर सुपरमैन प्रोफेसर से स्कूल को छीन लेता है और जोनी प्रोफेसर को छोटा और स्कूल को वापस बड़ा कर देता है। फिर प्रोफेसर यहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन सभी बच्चे अपनी क्लास में पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल वसीम एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।